दिनांक 7 मार्च 2004 को सायंकाल छिंदवाड़ा में श्री सिद्ध चक्र विधान प्रवचन क्रमांक 23 शून्य पूजन क्रमांक 8 के 1024 छंदों में से महत्वपूर्ण छंद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो गोये सवसाहूनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यानारूढ़ हो कर्म कलंक कृपाय भय सिद्ध परमात्मा बंधु ते जिन राय। सिद्ध चक्र विधान में 8वीं पूजन के जो अष्टक हैं उनकी भी चर्चा अपन कल कर चुके हैं और जयमाला पर भी चर्चा कल ही कर ली थी। जो दोगुने दोगुने का हिसाब है उसके हिसाब से 8वीं पूजन में कवि ने 1024 छंदों की रचना की है। प्रत्येक छंद में मानो एक गुण का वर्णन होवे, यह समझ लो भगवान का नाम ही उस गुण के आधार पर रखा गया। इस तरह 1024 नामों से इसमें स्तवन किया गया है। प्रायः सभी दोहे बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं। दो चार ऐसे होंगे जिसमें कोई शब्द या कोई बात बैठती नहीं हो बराबर अपनी बुद्धि में, लेकिन संपूर्ण पूरी जो अर्घावली है सर्वज्ञ और वीतराग के स्तवन से भरी हुई है। कवि की बुद्धि की बहुत महिमा आती है इसको पढ़ के कि कितने तरह से उन्होंने एक ही बात को अलग अलग ढंग से, कहो हजार ढंग से उन्होंने वीतरागता सर्वज्ञता इत्यादि गुणों का वर्णन किया है। अपन कुछ नमूने इसमें देखते हैं। पेज नंबर 178 पर पहले ही से अपन मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। इंद्रिय विषय कषाय हैं अंतर शत्रु महान तिनको जीतत जिन भये नमु सिद्ध भगवान। कितना सरल स्पष्ट और आनंदमय है। जिनाय नमः। सिद्ध भगवान जिन हैं, जिन शासन है ना अपना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप उसका नाम जिन शासन है। तो जिन किसे कहते हैं? जीतने वाले को जिन कहते, को जीतते हैं अंतर के शत्रु, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इंद्री विषय, इंद्रियों के विषय और उनको भोगने वाली कषाय। इस तरह इंद्री विषय कषाय ये अंतर के शत्रु हैं, इन्हें जीतने से भगवान जिन भये हैं। इसी तरह दूसरा भी देखिए, रागादिक जीते सुजिन तिन में तुम पर धान ताते नाम जिनेन्द्र है नमु सदा धरी ध्यान। रागादि को जो जीतता है वो जिन कहलाता है, उसमें आप मुख्य हो, जिनों में आप श्रेष्ठ हो। जिन तो अनंत भगवान भी हैं, लेकिन आप सिद्ध भगवान, आप श्रेष्ठ हो, इसलिए आप जिनेन्द्र हो। फिर जिन पूर्णताए, लवलेश भी रागादिक नहीं है इसलिए पूर्ण जिन हो। तो जिन के ही कितने बना दिए, जिन जिनेन्द्र, जिन पूर्ण, जिनोत्तम आए हैं। जिन शब्द से कितने बनाए हैं, जिनोत्तम आए। ये अच्छा है ये दोहा चौथा,
बाज शत्रु उपचरित को जीतत जिन नहीं होए। वाह, किसी के ऊपर बम पटक दिया है, नए नए हथियार बना करके शत्रु को मार दिया, उससे कोई जिन नहीं होता है। बाह्य शत्रु होते ही नहीं वास्तव में, वो तो लोक व्यवहार में कहा जाता है। किसी को शत्रु कहना वो वास्तव में उसके प्रति अपनी कषाई की घोषणा करना है, अपनी द्वेष बुद्धि है उसके प्रति, भले वो अपना बुरा करने की सोचता हो। इस सोचने से क्या होता है? बुरा भला तो हमारे परिणामों से होता है, उसके सोचने से थोड़ी होता है, है? मैं कोई मारने आए वो हमारा शत्रु नहीं है, अरे मार ही नहीं सकता ना। हाँ, मारने की कषाय करके वो स्वयं दुखी हो सकता है, कोई हमारे घर में घुस जाए, हमारी संपत्ति ले जाए, हमारे जिनायतनों को नष्ट करे, तो वो हमारा शत्रु है कि नहीं है? अरे वो खुद उसका शत्रु है, है? तो अपने को क्या करना? तो अपने को अंतरंग शत्रु को जीतना। बाह्य शत्रु उपचरित को जीतत जिन नहीं होए, अंतर शत्रु प्रबल भये जय उत्तम जिन है सोए। जीतने में श्रेष्ठ जिन कौन है? जो अंतरंग शत्रुओं को जीतता है। एक जरा 13वें नंबर का देखिए, थोड़ा जिसमें जना भी थोड़ा भी इसमें चमत्कार या नयापन या ऐसा फील गुड जैसा लगे ना, उसको ही मैंने चुना है। जिन आज्ञा त्रिभुवन विषय वरते सदा अखंड, मिथ्यामति दुर्पक्ष को देत नीत सौ दंड। बोलो, ये काम भी करते भगवान हैं? ऊपर का तो ठीक है, तीन लोक में जिनकी आज्ञा सदा अखंड रूप से वर्तती है, जिनाधिराजाए, बोलो जिनाधिराजाए, हैं? अधिराज माने श्रेष्ठ, देवों के देव कहते हैं, देवाधि देव, देवों के भी देव, ऐसे जिनाधि देव, जिनाधि राज। तो जिनकी आज्ञा तीन लोक में अखंड पने वर्तती, कैसे वर्तती होगी? मिथ्या दृष्टि तो मानते नहीं उनकी बात को, तो फिर जिन आज्ञा खंडित नहीं होगी? अरे जिन आज्ञा में वो मिथ्या दृष्टि भी शामिल है। कि जो लोग इसका विरोध करेंगे वे दुखी होंगे, वे नरक निगोद जाएंगे, वे चार गति में भटकेंगे, ये भी तो भगवान ने कहा है, तो उसी के अंतर्गत सब हो रहा है। समझ में आया ना? अपन को ऐसा लगता है तीन लोग उनकी आज्ञा मानता कहाँ मानता, आजकल तो पंचम काल में तो जिनेन्द्र कोई नहीं मानते, लोग बादशाह कुदेवों को मानने वाले, उनने ऐसी आज्ञा थोड़ी दी कि कोई कुदेवों को मानने वाला हो गई नहीं दुनिया में, ऐसा थोड़ी उनने दावा किया है, है? उनने तो ये कहा कि जो मानेगा, जो रागी द्वेषी देवों को अपना आदर्श बनाएगा, वो चार गति में भटकेगा, तो वैसे ही हो रहा है। समझ में आए ना? इसलिए जिन आज्ञा कभी भंग नहीं होती। वस्तु के स्वरूप के जो नियम हैं, शाश्वत फंडामेंटल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो कभी भी खंडित नहीं होते, ऐसा वस्तु स्वरूप में ही चल रहा है सब। इसलिए लिखा ना, मिथ्यामति दुर्पक्ष को देत नीति सो दंड। मिथ्यामति है जो दुर्बुद्धि है, एकांतवादी है, कुवादी है, उन्हें नीति पूर्वक दंड दिया जाता है। तो भगवान देते तो उपचार से कहा है, ये दंड प्रकृति में उनको मिल जाता, जैसे परिणाम करेगा वैसा बंद होगा, वैसा उदय में आएगा, वैसा सुख दुख होगा, सब स्वचलित ऑटोमेटिक व्यवस्था है। उपचार से कहा, भगवान ने तो बताया है कि ऐसा अपराध करने वाले को ऐसा दंड होता है, इसलिए उन वो दंड देते हैं, ऐसा उपचार से कहा गया। चलो और देखो, और किसी को कोई इसमें दो तीन पेज में कहा किधर है? बोलो। अरे वो तो जब वहां पहुंचे तब बात करना, अर्धनाशीर्वाद नारीश्वर तो दूर है। 44 नंबर देखो, शिव मार्ग में धरत हो जग मार्ग ते काल, घर में धुरंधर में नमू पाऊं भववन बाण। वाह, जो कैसे कैसे कितना सोचा होगा कि कहां कहां से लिखे, कैसे तो लाए होंगे पॉइंट निकाल निकाल के सब, है?
शिव मार्ग में धरत हो भगवान, जग मार्ग ते काढ़ बेसयामी समीचीनम, धर्मम कर्म निवरणम संसार दुख तर सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। वैसे ये प्रयोग बहुत बढ़िया है, आप खूब गहराई से शास्त्रों का अभ्यास करें और उनके बहुत पॉइंट मिलते हैं शास्त्रों में, एक एक गाथा में बहुत से पॉइंट मिल जाते, तो उनके भाव लेकर के फिर स्तुति में सांचे में ढाल के उसको बढ़िया बना सकते। ऐसा है, अभी होते हैं ऐसे प्रयोग, सब ऐसे होते। हे भगवान, आप संसार मार्ग से काढ़ कर माने निकाल कर मुक्ति के मार्ग में स्थापित करते हैं, इसलिए आप धर्म धुरंधर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और पाऊं भववन बाढ़। वो ये नई उपमा है, क्या मतलब है इसका? भववन बाढ़ माने बाढ़ लगा देते हैं ना, बाढ़ माने बाउंड्री, बाढ़ माने बाढ़ नहीं, बाढ़ होना चाहिए वास्तव में, ढाके नीचे बिंदी, ढाके नीचे बिंदी नहीं है, इसमें जो मेरे पास है उसमें बाढ़ लिखा हुआ है, ऐसे नदी में बाढ़ आ जाती, वो बाढ़ नहीं, बाढ़ लगा दी, सीमा बांध दी। तो जो मैं आपको नमस्कार करूंगा तो संभव वन की बाढ़ माने सीमा आ जाएगी, समझ में आया? मतलब नजदीक वो वन नष्ट होने वाला हो जाएगा, वो पार कर जाऊंगा उसको। ऐसे है अति सुंदर। जरा नीचे का देखिए 53 नंबर, जगत शत्रु को जीत के कल्पित जिन कहलाए, मोह शत्रु जीते सुजिन उत्तम सिद्ध सुखाय। अब इसमें वो चौथे नंबर में कितनी समानता है, वास्तव में तो इस पर पीएचडी की जानी चाहिए, सिद्ध चक्र विधान के ऊपर पीएचडी बहुत बढ़िया हो सकती है, रामायण के ऊपर हो सकती तो इससे क्यों नहीं हो सकती, रामायण के ऊपर सैकड़ों लोगों ने की है। उप चौथे नंबर का है ना, जो बाह शत्रु जो कि उपचरित हैं उन्हें जीतने से जिन नहीं होते, अंतरंग शत्रुओं को जीतने वाला ही जिन है, उत्तम जिन है। अब बिल्कुल वही बात यहाँ किस स्टाइल में, जगत के शत्रुओं को जीतकर कल्पित जिन कहलाए, वो जिनकी कल्पना करता है, मैंने जीता सिकंदर है ना, विश्व विजेता है अभी अमेरिका, वो कल्पना करता है कि बस दुनिया में हमारे सामने हमारे बराबर शक्तिशाली कोई है ही नहीं, सबको हमारे सामने झुकना पड़ेगा, बिल्कुल ये कल्पित जिन है, ये ये वास्तविक जिन नहीं है, ये मोह के नशे में अपने को जिन मान बैठा है, जिन माने मैं दुनिया का विजेता हूँ ऐसा मान बैठा। अरे तेरी कशाएं तुझे मार रही है, तेरी इच्छाएं, तेरी महत्वाकांक्षाएं, ये सब तुझे मार रही है, उसका तो तुझे विचार ही नहीं। तो जो मोह शत्रु को जीतता है वही उत्तम जिन है, मोह शत्रु जीते सुजिन उत्तम सिद्ध सुखाए, वो उत्तम जिन है और सिद्ध सुख को प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है 54 में, अभी मेरी नजर पड़ी, द्रव्य भाव दोनों नहीं उत्तम शिव सुखलीन, मन वचन करी में नमो निज सम भाव सुकीन। बोल नीलेश, क्या है इसका मतलब? द्रव्य भाव दोनों नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिनका निषेध किया है? उत्तम शिव में कोई चीज साइलेंट कोई भाव है, जिसको यहाँ निषेध करने वाला जो निषिद्ध तत्व है वो साइलेंट है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, द्रव्य और भाव कर्म नहीं है, तभी तो शिव सुख में लीन तो हुए हैं, ये बैठता है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों नहीं है, इसलिए आप उत्तम शिव सुख में लीन हो गए, मन वचन काय से मैं आपको वंदन करता हूँ। ऐसा देखो पंच कल्याणक का, नहीं पंच कल्याणक तो बाद में आएंगे, इसमें गर्भ कल्याणक के बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको अलग से नोट करके और अपने जो गर्भ कल्याणक का प्रसंग आता है तब उन्हें किसी भक्ति में किसी उसमें उनको आराम से जोड़ सकते हैं, उसमें तो क्या है। और दूसरा वो सिद्धायतन में जगह जगह ये सिद्ध चक्र विधान की दोहे लिखाना चाहिए, ऐसा विचार आता है, है? चलो अभी एक बहुत सुंदर आपको बताता हूँ, 97 नंबर का देखिए, 188 पेज पे,
निजानंद के भोग में कभी न आरत आए, याते तुम अरती तो बंधु सिद्ध सुहा। कुछ बहुत से गुण नास्ती से भी, जैसे अजर है, अमर है, ये तो नास्ती शैली में है ना सब है। अरत्यातीत, यहाँ आर्थ, आर्थ माने दुख, अपने शुद्ध चैतन्य के आनंद के भोगने में कभी आरत माने दुख नहीं होता। दुनिया का कोई भी भोग देख लो, उत्तम से उत्तम, आप चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र शरी के भोग कैसे उत्तम से उत्तम भोग भी होवे, तो भी वो दुख रूप ही है। वास्तव में ज्ञानियों को तो साक्षात दुख रूप भाषित होते हैं। जो सिद्ध भगवान अनंत काल तक अनंत आनंद भोगते हैं, लेकिन कभी थकान, कभी खेद, जब कहाँ तक भोगे, अब थोड़ा चेंज चाहिए है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा अनुपम भोग है, अनुपम आनंद है। इसलिए भगवान आप अरति से अतीत हैं। अरतीत माने अरतीत, तो काव्य में ऐसा बन गया, अरति माने दुख, उस दुख से अतीत है। और अरति भी अरति कषाय अकेली नहीं, आर्थ, आर्थ भाव, उससे दुख रहित है आप। ऐसे नीचे का भी बहुत बढ़िया है, 98 नंबर। होत नहीं सोच न कभू ज्ञान धरे परतक्ष, नमो सिद्ध परमात्मा पाऊं ज्ञान लक्ष्य। सोचते नहीं है भगवान, गजब हो गया, विचार ही नहीं करते, सोचते नहीं, निर्विचारी है। समझ में आया, क्यों नहीं सोचते हैं? सोचना मति ज्ञान में होता है, चन्मस्त के ज्ञान में होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं, वे क्यों सोचेंगे आखिर? सब कुछ प्रत्यक्ष दिख ही रहा ना, सोचने की गुंजाइश ही नहीं। सोचते तो अपन है कि सोचो क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है, लेना है कि नहीं लेना है, खाना है कि नहीं खाना है, क्या करना है आखिर दुनिया में। जरा जरा से काम पर दुविधाएं होती है कि आज भोजन में क्या बनना है, बोलो सर, ये सब सोचना पड़ता है। भगवान को तीन काल तीन लोक प्रत्यक्ष ज्ञान में झलकता, उन्हें कुछ नहीं सोचना पड़ता है। इसलिए मैं पाऊं ज्ञान अलक्ष, वाह, ऐसा ज्ञान मैं प्राप्त करूं हैं जो वर्तमान में मेरे को प्रकट नहीं है। ऐसा अभी मुझे तो ये 99 नंबर का बहुत पसंद आया, ये तो एक पूरे 1024 में समझ लो टॉप 10 में लिया जा सकता है इसको। जानत, ये बताया ना मैंने, नहीं नई वाली बात मत करो, ज्यादा पसंद आया उसकी बात करो। जानत है सब, इसमें थोड़ी सूक्ष्मता है। जानत है सब गेय को पर गेयन ते भिन्न, याते निर्विषयी कहे लेस न भोगेन। पहली चीज तो इसमें जो पर शब्द है उसमें श्लेष अलंकार लगाया जा सकता है। श्लेष माने इसके दो अर्थ किए जा सकते हैं, एक तो पर माने परंतु और एक पर माने अपने से भिन्न, और दोनों बढ़िया बैठते हैं। आप समस्त गेयों को जानते हैं परंतु गेयों से भिन्न हैं, ठीक, परंतु वाला अर्थ। अभी दूसरा, आप समस्त गेयों को जानते हैं और जो पर गेय हैं उनसे भिन्न है, मतलब स्वगेय से तो अभिन्न है, स्वगेय तो अपना भगवान आत्मा ही है, उससे भिन्न होने की क्या बात है। इसलिए पर माने जो भिन्न है वे भी, और पर माने परंतु, समझ में आया। अच्छा, गेय से भिन्न है तो ज्ञान में तो कोई गेय है नहीं ना, ज्ञान में तो युगल जी ने पूरे 30-40 प्रवचनों में यही तो मेहनत की है कि ज्ञान में गेय आता नहीं है, यही समझाया उन्होंने सफर प्रकाशक की पूरी जो महाकथा है उसमें। समझ में आया, याते निर्विषय ही कहे, गजब हो गया है। ज्ञान में कोई विषय है ही नहीं है, जो विषय है वो तो सब ज्ञान के बाहर है। बोलो, लोकालोक ज्ञान में है या ज्ञान से बाहर है, कहाँ है फिर? जो ज्ञान में है वो क्या है? वो तो ज्ञान ही है। ज्ञान में जो लोकालोक दिखाई दे रहा है, जो आकार दिखाई दे रहा है, उसका विधाता, उसका रचना करने वाला, वो ज्ञान में ही ज्ञानाकार जानन भाव रूप से बना हुआ है। कोई भी एक है, हाँ, अरे बहुत चलती थी, अपने को बीच में विच्छिन्न हो गया, अपने को पता नहीं है, ऐसा बहुत चलती थी। ये तो वास्तव में ये गुरुदेव ने समझ लो भरत क्षेत्र में आकर के
एक दोबारा समझ लो तीर्थंकर युग चालू कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो कहां, अपन भी पढ़ जाते, अपने को तत्व ज्ञान नहीं होता, कहां ऐसा अर्थ इसमें से कहां निकाल पाते। और विधान तो समझ लो मैं ही देख रहा हूँ 50-40-45 वर्षों से, और पहले से भी होता रहा, समाज में तो बहुत होता रहा। हो सकता है कोई विद्वान ऐसा अर्थ करते भी होंगे, किसी के ख्याल में होता भी होगा। ये तो आप कह सकते हो। पहले ऐसी पद्धति थी नहीं। हाँ, पे अब अभी आज देखी ना अपन क्या स्पीड से, बिल्कुल समझ लो कि बम्बई से दिल्ली वो समय कम और दोहे पूरा मेरे ख्याल एक दिन बढ़ा लेते, उसमें क्या फर्क पड़ता। आराम से तो करते निराकुल होकर के, एक दिन बढ़ा लेना चाहिए था, लास्ट में बहुत फास्ट चला। हाँ, याते निर्विषयी कहे, मुझे तो ये पसंद आया। पाटनी जी, ज्ञान में कोई विषय नहीं है, इसलिए भगवान निर्विषयी हैं। विषय नहीं है माने ये की सत्ता नहीं ये। और देखो, हाँ, विषय का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, दोनों निरपेक्ष हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। 108 नंबर का देखिए, निज सुख में सुख होत है पर सुख में सुख नाय, सो तुम निज सुख के धनी मैं वंदू। बहुत सरल है लेकिन प्रेरणादायक, मतलब पूजन में भी ऐसा अध्यात्म। और इसके ऊपर का देखिए जरा, 107 नंबर का, सुखा भास जग जीव के पर निमित्त से होए, निज आश्रय पूर्ण सुखी सिद्ध कावे सोए। एक ही भाव है, पर के लक्ष्य से जीव को सुखाभास होता है, सुख जैसा मालूम पड़ता है परंतु वास्तव में वो दुख ही है, और निज आश्रय से पूर्ण सुखी होते। और नीचे निज सुख में सुख होत है, आत्मा का जो अतिंद्रिय सुख है वही सुख है, पर सुख में सुख नाही, मतलब क्या है सुख नहीं है माने क्या है, दुख है। समझ में आया, सो तुम निज सुख के धनी मैं बंधु हूँ ताई। अरे ज्ञान संबंधी देखो आप, तीन लोक त्यों काल के गुण पर है कछु नाही, जाको तुम जानो नहीं ज्ञान भानु के माय। तीन लोक और तीन काल में ऐसा कोई गुण और पर्याय नहीं है। समझ में आया, कैसा, कि जिसे आप अपने ज्ञान की कला में, ज्ञान रूपी सूर्य में नहीं जानते हो, वह ऐसा कोई गुण पर्याय नहीं है। ऐसे सर्वज्ञता के, केवल ज्ञान के सब मिलेंगे आप, इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, ये सब बातें आपको मिलेंगी। 190-91 पे किसी को कोई विशेष लगा हो तो बताना, ये तो मैंने फिर इसमें ज्यादा इधर निशान लगाए नहीं। आगे 94-95-96, हाँ देखिए 197 पेज है, 189 नंबर, ज्ञान द्वार सब जगत में व्याप रहे भगवान, विश्व व्यापी मुनि कहत है जो नभ में शशि भान। ज्ञान के द्वारा ये सर्वगत नए का कथन है, इसमें नए मिल जाएंगे बहुत से आपको है, एक एक दोहे में एक एक नए मिल जाएगा, किस नए का कथन है। ज्ञान द्वार सब जगत में व्याप रहे भगवान, ज्ञान के द्वारा सारे लोक में व्याप्त हो रहे हैं, इसलिए मुनि गण आपको विश्वव्यापी कहते हैं। जैसे नभ में शशि और भान, सूरज और चंद्रमा, ये विश्वव्यापी हैं, वैसे आप जगत में विश्वव्यापी। पर सूरज चंद्रमा तो कहाँ विश्वव्यापी, फिर भी एक उपमा दी जाती है। हाँ, 192 नंबर का देखिए आप, नए प्रमाण को गमन नहीं स्वयं ज्योति प्रकाश, अद्भुत गुण पर आय में सुख सो करें विलास। देखो ऐसी चैतन्य ज्योति है आपकी, ऐसा चैतन्य प्रकाश है जिसमें नए प्रमाण का कोई स्थान नहीं, प्रमाण और नए के द्वारा जो नहीं जानती है,
समझ में आया, केवल ज्ञान है ना। ऐसे अद्भुत गुण पर्याय में आप सुख से विलास करते, और ठीक इसी प्रकार का नीचे वाला महाबोध आए, मति आदि क्रम सबिन लक्ष्मीनाथ महाबोध तुम नाम है, नमो पाय धरी मां मति आदि क्रम वर्त बिन। स्पष्ट है वो मति आदि जो क्रमवर्ती ज्ञान है, पहले अवग्रह होगा, फिर ईया होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा, फिर सत ज्ञान में पहुंच जाएगा, स्मृति होगी, प्रत्यय ज्ञान, ये सब ये क्रमवर्ती संयुक्त संज्ञान कैसा है, क्रमवर्ती है। आप उससे रहित हैं, तो केवल लक्ष्मी नाथ, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम महाबोध है, महाबोधाय नमः, ऐसे नाम दिए। इसी तरह से एक देखिए 206 नंबर का भी देखिए, तुम सो कछु छाना नहीं तीन लोक का वेद, दर्पण तल सम भास है नमत कर्म मल छेद। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, छाना नहीं माने गुप्त नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है, तीन लोक का रहस्य आप जानते हो, और जैसे दर्पण के तल में सब पदार्थ सामने के प्रतिभासित होते हैं, वैसे आपके ज्ञान में सब प्रतिभासित होते। ऐसे ज्ञान संबंधी तो बहुत मिलेंगे आप। एक प्रयोग देखो, गुणों के नाम भी रखने में उन्होंने काफी कल्पनाशीलता का भी परिचय, दीर्घायुष और आयु कर्म का तो नाश हो गया, तो भी भगवान दीर्घायु है। अपन सोच नहीं सकते कि ऐसा दीर्घायु नाम का भी कोई विशेषण उनका लगाया जा सकता है। इसके लिए 215 नंबर का छंद देखिए आप, 200 पेज पे, मरण रहित शिव पद लसे काल अनंतानंत, दीर्घायु तुम नाम है वंदत नित प्रति संत। आप मरण रहित शिव पद जो है, मुक्ति पद है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, अनंतानंत काल तक आप उसमें सुशोभित होते हैं, इसलिए आपका नाम दीर्घायु। समझ में आया, ऐसा है सर। और ये देखो 224, 25, 26, 27 ये गर्भ कल्याणक संबंधी हैं चारों। गर्भ कल्याणक के विषय तुम माता सुखकार, बोलो गर्भ कल्याणक के विषय आपकी माता जो हैं वो सुखकार हैं, सारे जगत को सुख देने वाली, दुनिया को बड़ा आनंद होता है, धन्य है ये माता जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली, स्त्री नाम शतान शतसा जनयंती पुत्रान है ना, षट कुमारी का सेवती, कहीं कहीं अष्ट कुमारी का आता है, षट कुमारी का आता है, वो सेवा करती है और वो भी भव समुद्र से पार हो जाती। फिर उसके आगे अति उत्तम तुम गर्भ है भव दुख जन्म निवार, रत्न राशि देव लोक ते वरसे मूसलाधार। स्वर्ग से मूसलधार रत्न राशि बरसती, और आपका गर्भ जो है वो अति उत्तम है, भव दुख जन्म निवार, संसार के दुखों का नाश करने वाला है, ऐसा आपका उत्तम गर्भ है, रत्न गर्भ है, ये विशेषण दिया है, रत्न जैसा गर्भ है आपका श्रेष्ठ। फिर पूत गर्भ है, देखना सुर शोधन ते गर्भ में दर्पण सम आकार, यो पवित्र तुम गर्भ है पावे शिव सुख सार। सुर शोधन ते, देवियां गर्भ शोधन करती, इसलिए बिल्कुल निर्मलता रहती, कोई अपवित्रता या कोई सकड़ास या कोई जैसी अन्य जीवों को होता है ना गर्भ, वैसा कुछ नहीं होता है, उधर मंजूषा में जैसे रत्न रखा है वैसा रखा रहता है, शरीर बनता है बालक का, लेकिन माता का पेट नहीं बढ़ता, क्या चमत्कार है, पुण्य प्रकृतियों का खेल है। सुर शोधन ते गर्भ में
दर्पण सम आकार, जैसे दर्पण में आकार झलकते हैं तो दर्पण की निर्मलता भंग नहीं होती, ऐसा समझ में है, कोई बाधा नहीं होती, कोई निर्मलता भंग नहीं होती, स्वच्छता बनी रहती दर्पण में। इस तरह आपका गर्भ पवित्र गर्भ है तो पूत गर्भ है, ऐसा नाम विशेषण दिया। हाँ, पूत माने पवित्र, वो तो पवित्र ख्याल में पवित्र ऊपर है ना, यो पवित्र तुम गर्भ में। जाके गर्भागमन ते पहले उत्सव ठान, दिव्य नारी मंगल सहित पूजत श्री भगवान। जिसके गर्भागमन में पहले ही, गर्भ आगमन से पहले उत्सव ठान है, उत्सव मनाया जाता है, दिव्य नारियां देवियां मंगल सहित उत्सव मनाती हैं, ऐसे भगवान की हम पूजा करते। इस तरह ये 224, 25, 26, 27 ये चार छंद उन्होंने गर्भ कल्याणक संबंधी बनाए। ऐसे ही और भी बाकी के कल्याणकों की बना देते, मिल जाएंगे, ढूंढेंगे अपन तो मिल जाएंगे, उसमें तो क्या है। हाँ, ये देखिए आप, इंद्र 1008 नीत बनाते हैं, 202 नंबर पेज पे 239 नंबर का छंद। इंद्र सहस लोचन किए निरखत रूप अपार, मोक्ष लहे सोने मते मैं पूजू मन धार। ओ रीम रीम अरम सहस्त्राक्ष द्रगुत्सवाय नमः, बोलो सहस्त्राक्ष द्रगुत्सवाय, हजार आंखों से बना के उनने दर्शन किए, ऐसा आपका अपार रूप वो देखते हैं और नियम से मुक्ति प्राप्त करते, ऐसा देव ऐरावता सीनाय, ये आ गया ये जन्म कल्याणक का। ऐरावत पर रूढ़ है ग्रीव नृत्यता मांड, पूजत है सो भक्ति सो मेटी भवार्णव हांड। है ऐरावत पर रूढ़ है भगवान और देव जो है उन्होंने नृत्य की रचना कर रखी है, वो भक्ति से आपकी पूजा करते हैं और भव समुद्र को नष्ट करते। अभी देखिए कितनी बड़ी उम्र में है जी, 242 नंबर की। हर्षाकुल अमर खग चारणार्षित मतोत्सवाय नमः, कैसे पड़ी होगी इतनी फटाफट है। हर्षाकुल अमर खग चारणार्षित मतोत्सवाय नमः, सुर नर चारण मुनि जजे सुलभ गमन आकाश, परिपूर्ण हर सात है पूरे मन की। ध्यान देने की बात तो ये है कि हर्ष से आकुलित है, समझ में आया, तो इसको अपन बिल्कुल निश्चय के अर्थ में भी ले सकते हैं कि ये हर्ष भी दुख स्वरूप है। आकुलता क्या है, आकुलता तो दुख की है ना, तो निश्चय अर्थ लिया जाए तो ये जो जो लोगों को हर्ष मनाते हैं आपकी भक्ति में वो दुख स्वरूप, और व्यवहार संदर्भ में अर्थ लिया जाए तो आकुलित माने बहुत हर्ष उनका बढ़ रहा है, उत्साह बहुत उनका बढ़ रहा है, फूला नहीं समा रहे, ऐसे आकुलित हैं, समझ में आया ना। सुर नर चारण मुनि जजे, सुर नर चारण मुनि ये सब जो आकाश में जिनका गमन सुलभ है ऐसे ये सब आपकी स्तवन करते हैं, भक्ति पूजन करते हैं। हाँ, खग जिनको आकाश गमन सुलभ है ऐसे, और रक्षक हो सत काय के, देखो विष्णु बना दिया भगवान, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव देव ऐसे तो बहुत आएंगे इसमें, 10-20 तो महादेव के आ जाएंगे हैं, ब्रह्मा के आ जाएंगे। रक्षक हो, 243 पढ़ो, रक्षक हो सत काय के शरणागति प्रतिपाल, सर्वव्यापी निज ज्ञान के पूजत हो निहाल। छह काय के जीवों की रक्षा करते हैं आप, कैसे करते हैं, एक तो सबको मुक्ति का मार्ग बताया, इसलिए जो समझते हैं उनकी रक्षा हो गई, और जो नहीं समझते हैं तो समझने वालों से ये कहा कि इन जीवों के हिंसा करने में पाप का बंध होता है, इसलिए इनकी दया करना चाहिए,
तो उनकी रक्षा कर दी। चोड़ा मंदिर ने लिखा इस अच्छा जिस भगवान की विराधना करके तुम आलू में गए, वही भगवान रक्षा का उपदेश दे रहे। ये नहीं सोचते कि यार इसने तो हमारा विरोध किया था। सर्वव्यापी निज ज्ञान से विष्णु सर्वव्यापी कहे जाते हैं और जगत के पालक कहे जाते हैं। तो दोनों विशेषण इनमें घटित किए कि ज्ञान की अपेक्षा आप सर्वव्यापी हैं और छह काय के जीवों की रक्षा का उपदेश दिया है। हैं? देखो 246 नंबर में लोक स्नान गिलानता मेटे मेल शरीर आत्म प्रक्षालित कियो तुम ही ज्ञान सुनीर। देखो लोक में जो स्नान है वो शरीर की मैल को नष्ट करता है, तो ग्लान उससे ग्लानी मिट जाती है। ग्लानिता मेटे, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि शरीर का मैल दूर होता है। लेकिन आपने ज्ञान रूपी जल से अपना आत्मा प्रक्षालित किया है, इसलिए गुण का क्या नाम दिया? स्नानाम्बु स्ववासाय है, स्नानाम्बु स्ववासवाय। बोलो। हाँ, अपने स्वयं के ज्ञान रूपी जल से स्नान करने वाले। इसी तरह देखिए आप 253 में सची इंद्र अरु काम ये जिन दासन के दास निश्चय मन में नमन कर नित वंदित पद जास। सची इंद्र कामदेव ये तो आपके दासों के दास हैं, इसलिए जो आपको मन में नमन करते हैं, हैं वो उनके भी द्वारा वंदनीय हो जाते सची इंद्र इत्यादि के द्वारा। देखो ब्रह्मा का एक, देखो ब्रह्मा का 265 नंबर वाला 205 पेज पे सर्व तत्व के आदि में ब्रह्म तत्व परधान तिसके ज्ञाता हो प्रभु मैं वंदो धरि ध्यान। सब तत्वों में प्रधान तो आप ही हो, इसलिए आप ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा हो। ऐसे और बहुत से हैं, ये तो एक एक जो छंद आप देखेंगे। एक और कर्ता बताया, देखो बोलो 208 पेज पे कर्ता भी कहा है, हैं? इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि भगवान तो अकर्ता होते, इसमें कर्ता कैसे कह दिया, ये सब नए विवक्षा है अपने पास में। हाँ 269 नंबर का, अच्छा हाँ हाँ यज्ञांग आए, यज्ञ 269 नंबर है 205 पे यज्ञ विधान के अंग हो मुख नामी परधान तुम बिन यज्ञ न हो कभी पूजत हो। ये यज्ञ का रूपक दिया है, हैं? ये यज्ञ का विधान, यज्ञ विधान के आप अंग हो, इसमें आप ही प्रमुख हैं, आप ही प्रधान हैं, आपके बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। अभी आइए 302 नंबर पे करता हो शिव काज के ब्रह्मा जग की रीति वर्णाश्रम को थाप के प्रकटाई शुभ नीति। आप मुक्ति रूपी कार्य को करने वाले हो, समझ में आया, और जगत में वर्णाश्रम की स्थापना की रीति आपने चलाई। ऐसा कहा जाता है कि ऋषभ देव ने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्णों का प्रतिपादन किया, एक क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। भरत ने ब्राह्मण की स्थापना की, तो ऋषभ देव ने कहा कि ये क्या किया तुमने ऐसा आता है। उन्होंने कहा ये क्या किया, ये ब्राह्मण क्यों बना, क्यों? ये भविष्य में जैन धर्म के बहुत विरोधी होने वाले हैं। वर्ण देखो समाज में भले सब ज्ञानी हो गए, उस समय मान लो आप सारा देश धर्मात्मा होगा ऋषभ देव के काल में, फिर भी झाड़ू लगाने वाला झाड़ू तो लगाते ही होगा,
समझ में आया ना, मकान बनाने वाले मकान तो बनाते ही होगा, दर्जी तो कपड़ा सीते ही होगा, तो जो एजुकेशन वाले हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वे पढ़ाते होंगे, सैनिक हैं वे युद्ध करते होंगे, तो गृहस्थ धर्म में ये वर्ण व्यवस्था जो है ये कोई उस तत्कालीन भूमिका की आत्म साधना के विरुद्ध नहीं है। जो जिस भूमिका में समाज में है वो वैसा काम करे, और आत्मा का धर्म तो आत्मा का है, सभी आत्मा है अपने आप, शूद्र भी सम्यक दृष्टि हो सकता है उसमें, ऐसा थोड़ी अपने है? ऐसे मिलेंगे आपको कई इस टाइप के। और बोल नीलेश है कोई, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ता हूँ। प्राय सभी स्पष्ट हैं बहुत। देखो एक बहुत सुंदर है, वाग्मीश्वराय 369 नंबर पे, वाह। जिन वाणी के रसिक हो तासो रति दिन रेम, भोग उपभोग करो सदा वंदत वै सुख चैन। वाह, अपन जिन वाणी के रसिक हैं वो तो ठीक, भगवान भी जिन वाणी के रसिक हैं, हैं? वो उससे उसी में रति करते रहते हैं, जिन वाणी सुनते रहते हैं केवल ज्ञान में। बोलो आप क्या करते हैं? जिन वाणी का आस है, जिन वाणी में जो परम आया था ना, तुम महाशास्त्र के मूल गे जय माला में आया था ना, तो वो जो भगवान आत्मा है वो जिन वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु है, मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु है। इसलिए आप उसके रसिक हो, माने जिन वाणी के रसिक हो, और सदा आप ऐसा भोगो भोग करते हैं, और आपको वंदन करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। मैं सोचता हूँ आज इसको पूर्ण ही कर दें, विधान पूर्ण हो गया है, है? नहीं और ज्यादा निशान लगाया नहीं मैंने। ऐसा हाँ, वो बुक कौन सा है बोलो, अर्धनारीश्वर वाला, है? देखो एक आप ही बताओ, देखो 240 कल भी लेंगे, आप चिंता मत करो, 240 पेज पे 615 मतलब रूपक वगैरह प्रस्तुत करने में भी कसर नहीं रखते ये लोग। कृष्णाय नमः, बोलो भगवान को कृष्ण कहा कैसे, कृष्ण नाम तीर्थेश है भावी काल कहाय, सुमति गोपियन संग रमत निज लीला दर्शाय। क्योंकि कृष्ण शब्द से कोई शब्दार्थ नहीं किया, एक्चुअल में जो कृष्ण है वो एक भावी सिद्ध होने वाले, उनको नमस्कार किया। कृष्ण नाम तीर्थेश है भावी काल कहाय, भविष्य काल में जो कृष्ण नाम जो कृष्ण है वो तीर्थेश होने वाले हैं, भविष्य काल के तीर्थंकर हैं, और सुमति रूपी गोपियों के संग में रमण करते हैं और निज लीला दर्शाते हैं, ऐसा करके उनको याद किया ऐसे मतलब। और यहाँ से शुरू हो गया फिर, हाँ शांति जनाय 619 पे ये भूतकाल की 24 पूरी हुई, और वृषभाय नमः यहाँ से वर्तमान काल की 24 चालू हुई, और भविष्य की देखो कहाँ तक चलती। तो ये सब यशोधरा है, कृष्णा है, ये सब निर्वाण यहाँ से है, 596 नंबर से चालू होता है, जो भूतकाल के 24 तीर्थंकरों का वर्णन, पहले तीर्थंकर निर्वाण, फिर सागर, फिर महासाधु, फिर विमल भाग, ऐसे शुद्धात्म, ये भी भगवान का नाम, श्रीधर है, बीच में कोई विशेषण भी आगे लगता है, अग्निदेव, ऐसे उसमें तो है सब कायम है, यागमंडल विधान। छह सौ 43 में वर्धमान, फिर 44 में महावीर, फिर 45 में सुवीर, फिर 46 में सन्मति, फिर 47 से महापद्म, ये आए 47 नंबर से महापद्म आए। लेकिन जरा भी संकेत नहीं किया कि ये हम शरणिक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा संकेत नहीं किया, और पूरे 24 तक जो हैं वो उनके नाम हैं।
ऐसे उत्पाद ध्रुव के भी मिलेंगे आपको, ध्रुव रूप जिनाए 691 नंबर का देखिए, 691 नंबर का 247 पेज पे, ध्रुव स्वरूप स्थिर है सदा, कभी अंत नहीं होए, अव्याबाध विराजते पर सहाय को खोए। ये ध्रुव रूप जिनाए, अब देखना, व्यय उत्पाद स्वभाव है, ताको गौण कराए, अचल अनंत स्वभाव में तीन लोक सुखदाय। भगवान के लिए भी उन्होंने मुख्य गौण की व्यवस्था बता दी है। भगवान को वैसे मुख्य गौण करने वाला ज्ञान नहीं होता है, ये तो अपने ज्ञान का उपचार अपन करते, कि उत्पाद व्यय स्वभाव है उसको गौण करके अचल अनंत स्वभाव में तीनों लोग सुखी हो जाता है। अच्छा अनंत ऐसा स्वभाव आपका है, हाँ स्वभाव तो ऐसा है, ऐसे ऐसे है। हो गया समय, बाकी कुछ छंदों की चर्चा मैं कल सुबह करूंगा और फिर इस सिद्धि चक्र विधान की पूर्णता हो जाएगी। थोड़ा सातवीं पूजा का अर्थ में अगर समय मिला तो कल उसको दोबारा लेना चाहूंगा। और एक वो चार कषायें जो है, अनंतानबंदी क्रोधान्मान माया लोभ, उसका भी नहीं ले पाया था तो उसकी भी चर्चा करेंगे। हो गया समय।